10 मिनट का टाइम है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को एक चैप्टर दैट इज अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताएंगे। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, इस चैप्टर में हम जानेंगे। अल्टरनेटिंग करंट और सिंपल में एसी, अल्टरनेटिंग करंट और एसी। इससे पहले हमने जाना करंट के बारे में, दैट इज डीसी करंट। और डीसी करंट को समझने से पहले हम इसे और अच्छे तरीके से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं एक करंट मेनली दो तरीके के होते हैं। करंट आर ऑफ टू टाइप्स। करंट होते हैं दो तरीके के होते हैं। पहला डायरेक्ट करंट और सिंपली डीसी। डीसी करंट में फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट होती है फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम दिए जा रहे टाइम इंटरवल के लिए जो करंट की वैल्यू होती है, करंट एंड वोल्टेज करंट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू फिक्स होती है फॉर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इन डीसी करंट्स। डीसी करंट में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो करंट होता है वो डिपेंड करता है वी इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से हमें ये मिला है, एंड आई इक्वल टू हमारा बनता है वी अपॉन आर। यहां करंट है पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द टू कंडक्टर बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और सिमिलरली और रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं जो करंट है वो डिपेंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बी होता है, और करंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टेंस की। करंट को बढ़ाने के लिए अगर हम पोटेंशियल बढ़ा दें तो करंट बढ़ेगा, और वहीं अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर दें तो भी करंट बढ़ेगा। इन दोनों कंडीशन में करंट बढ़ेगा। दूसरा तरीके का करंट होता है, हाँ इसका ग्राफ आप देख लेते हैं, ग्राफ कैसा होता है इसका। इसका ग्राफ होता है, यहां पर मार करंट आई है 1 2 3 0 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, यहां हमारा टाइम है, यहां करंट है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर। अब जो ग्राफ आता है उसका ग्राफ इस तरीके से आता है, कांस्टेंट सप्लाई इन कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। और कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो सप्लाई ऑफ करंट है वो फिक्स रहेगी, ये एक्स और ये वाई, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ करंट रहेगी, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ करंट रहेगी। नाउ ये सारी बातें हमने जानी। दूसरी करंट जो होता है उसे बोलते हैं हम डीसी करंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? डीसी करंट के बाद हमारा आता है अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट,
करंट डेट चेंजेस दिस डायरेक्शन, चेंजेस इट्स डायरेक्शन, चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, हाफ साइकिल वो करंट जो कि अपना डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद चेंज कर लेता है, ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। बात करनी पड़ेगी यहाँ कर अल्टरनेटिंग करंट वो करंट जो कि हर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और इसमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू मीनू से करंट और ईएमएफ दोनों ही कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करते रहते हैं या चेंज करते रहते हैं मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज। जो एसी करंट है एसी करंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज कंटिन्यूसली, बोथ चेंजेस कंटिन्यूसली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही लगातार बदलते रहते हैं। रीजन ईएमएफ जो होता है ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सिंपल बोलें तो वोल्टेज जो होती हैं वो लगातार चेंज होती हैं और वोल्टेज के लगातार चेंज होने की वजह से ईएमएफ है वो भी चेंज होता है। रीजन क्या है एज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ चेंजेस कंटिन्यूअसली, चेंजेस कंटिन्यूअसली क्या लिख देता हूं आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, हाफ साइकिल हर हाफ साइकिल के बाद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ईएमएफ का भी चेंज होता है और ईएमएफ का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होने की वजह से जो अल्टरनेटिव करंट है उसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है। लेकिन इन मॉडर्न टाइम हम ज़्यादा प्रेफरेंस किस करंट को देते हैं, हम इसका आंसर है अल्टरनेटिंग करंट बिकॉज ऑफ इट्स वेरी एडवांटेजेस। अल्टरनेटिंग करंट का यूज करने की हमारे पास कई सारी एडवांटेजेस होती हैं इसलिए मॉडर्न टाइम में अल्टरनेटिंग करंट का ज़्यादातर यूज होता है। क्या क्या एडवांटेज होती हैं या अल्टरनेटिंग करंट की उन्हें देखते हैं ओवर डीसी। पहला पहला एडवांटेज है वी कैन चेंज द ईएमएफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट व्हाइल चेंजिंग लिखते हैं वी कैन चेंज द ईएमएफ ऑफ एसी करंट, एसी और अल्टरनेटिंग करंट बिकन अल्टरनेटिंग करंट एसी वाई यूजिंग ट्रांसफॉर्मर, वाई यूजिंग
ट्रांसफार्मर हम ट्रांसफार्मर का यूज करके अल्टरनेटिंग करंट का ईएमएफ चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इन केस ऑफ डीसी करंट हम इसे इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो एक एडवांटेज हमारा ये होता है कि हम ईएमएफ को चेंज कर सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बड़ी आसानी से। एंड दूसरा फायदा क्या होता है अगर हम ईएमएफ को चेंज करें तो ईएमएफ को चेंज करने का प्रॉफिट ये रहता है कि हम अपने रिक्वायर्ड अमाउंट का करंट पा सकते हैं या रिक्वायर्ड अमाउंट का करंट जो हमें चाहिए उसको हम सर्किट में प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड जो होता है अल्टरनेटिंग करंट कैन ट्रांसफर टू अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वेरी लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ही कम एनर्जी के लॉस पर हम अल्टरनेटिंग करंट को एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करा सकते हैं एट अ वेरी लेस एनर्जी लॉस एट अ वेरी लेस एनर्जी लॉस अल्टरनेटिंग करंट कैन ट्रांसफर टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, बहुत कम एनर्जी का लॉस करके हम अल्टरनेटिव करंट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अगर हम दिल्ली से अगर लखनऊ को इलेक्ट्रिसिटी देना चाहें तो हम बहुत कम एनर्जी का लॉस किए अल्टरनेटिव करंट की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ डीसी करंट देयर इज वेरी लार्ज लॉस ऑफ एनर्जी। डीसी करंट अगर हम अल्टरनेटिव करंट की जगह डीसी करंट का यूज करें तो हमारा एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट नहीं डीसी करंट डायरेक्ट करंट इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट लॉस ऑफ एनर्जी इज वेरी लार्ज लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है काफी ज्यादा होता है। लॉस ऑफ एनर्जी इज क्वाइट लार्ज, हमें लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अल्टरनेटिंग करंट को हम दिखाते हैं इन वेव फॉर्म। अल्टरनेटिंग करंट को हम वेव फॉर्म में दिखाते हैं और ये करंट अपनी डायरेक्शन को आफ्टर एवरी हाफ साइकिल चेंज कर लेता है। जीरो प्लस वन माइनस वन टी टू टी थ्री टी कुछ इस तरीके से। ये करंट I है और ये एंगल थीटा बना करके मूव कर रहा है। तो करंट को हम इन टर्म ऑफ साइन अल्टरनेटिंग करंट को हम साइन ऑफ कोसाइन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, यहाँ थीटा जो है उसको हम ओमेगा टी के बराबर मानते हैं। तो हम यहाँ पर आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर कह सकते हैं।
तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर हमारी वैल्यू बनती है। सिमिलरली अगर हम चाहें तो इसे हम कॉस के टर्म में भी दिखा सकते हैं। कॉस के टर्म में दिखाएंगे तो आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख देंगे। आई नॉट कॉस ओमेगा टी इसे हम लिख सकते हैं। जिस तरीके से हम अल्टरनेटिंग करंट को लिख रहे हैं उसी तरीके से हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ को भी लिख सकते हैं। जैसे ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी और ई इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। इन दोनों टर्म्स में हम अल्टरनेटिंग करंट को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं समझना है, अल्टरनेट जो डीसी करंट होता था, डीसी करंट के केस में, डीसी करंट के केस में केवल डीसी करंट के केस में ओनली रेजिस्टेंस का वर्क होता है। इन केस ऑफ डीसी, इन केस ऑफ डीसी करंट डीसी करंट के केस में ओनली रेजिस्टेंस का यूज होता है, ओनली रेजिस्टेंस का यूज होता है। लेकिन इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के केस में, जब हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट के केस में, हम देखते हैं इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट और एसी दो और जुड़ जाते हैं, दो टर्म और जुड़ जाते हैं, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस नाम के दो टर्म और जुड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के अंदर कितना ईएमएफ पैदा होता है या कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। पहला लेते हैं इन केस ऑफ रेजिस्टेंस के केस में हाँ, रेजिस्टेंस को आर से नोट करते हैं और आर से नोट करने पर जो हमारा वोल्टेज बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, वी इक्वल्स टू आई आर मिलता है हमें रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस कह दें या ईएमएफ कह दीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल्स टू आई आर इन केस ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से
सेकंड केस, सेकंड हम लेते हैं इंडक्टेंस के लिए, इंडक्टेंस यहां पर हम सेल्फ इंडक्टेंस लेंगे तो चेंज और उसे दिखाएंगे हम एल से। जैसा हमें पता है जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है एल आई इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ये होता है एम आई। तो ईएमएफ, ईएमएफ जो होता है फ्रॉम फैराडे सेकंड लॉ बराबर होता है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्विवेलेंट होता है हमारा ईएमएफ फ्रॉम फैराडे सेकंड लॉ, फ्रॉम फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे के सेकंड लॉ से। तो ईएमएफ जो होता है बराबर हो जाता है नेगेटिव डी एल आई अपॉन डी टी। एल को हम बाहर निकाल लेते हैं तो ईएमएफ हमारी वैल्यू बनती है एल डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव में, एल डी आई अपॉन डी टी हमारी वैल्यू बनती है ईएमएफ की इन केस ऑफ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस केस में। ये कैसा है फॉर सेल्फ, सेल्फ इंडक्टेंस केस में। अब हम देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस केस में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो फ्लक्स था हमारा इतना होता है फाइ इक्वल टू एम आई, और वो फैराडे सेकंड लॉ ईएमएफ जो होता है वो होता है हमारा एम आई के बराबर। नाउ ईएमएफ कितना होगा हमारा, ईएमएफ इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाइ अपॉन डी टी। तो ईएमएफ इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी एम आई नेगेटिव, एम को बाहर निकाल लेते हैं तो ईएमएफ बनता है हमारा एम नेगेटिव के डी आई अपॉन का डी टी हमारा ईएमएफ निकल के आता है। इस तरीके से हमारा ईएमएफ निकलता है इंडक्टेंस केस में। नेक्स्ट नाउ ईएमएफ इन केस ऑफ कैपेसिटेंस, ईएमएफ इन केस ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के लिए हम नोट करते हैं सी से, कैपेसिटेंस इज नोटेड बाय सी, कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस इज नोटेड बाय सी। अब देखिए ना कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास,
सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन का वी, वेयर सी इज द कैपेसिटेंस, वी जो है हमारा नाउ फॉर्मूला हमारा सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो क्यू इक्वल टू हमारा हो गया सी बी, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आई है, यहां वैल्यू पुट करते हैं तो आई इक्वल्स टू डी सी बी इंटू डी टी। सी कॉन्स्टेंट है, सी को बाहर निकाल लेते हैं तो मिलता है सी इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। ये हमारे करंट की वैल्यू मिलती है इन केस ऑफ कैपेसिटेंस। सो ये है हमारा कैपेसिटेंस केस में वैल्यू। हाँ, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांस